और चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर घाटकोपर में पाइपलाइन फटी है, कई घरों में घुसा है पानी, सड़क और वाहन भी पानी में डूबे हैं। असलफा स्टेशन के पास का ये पूरा मामला है, जहां पर पानी भरा हुआ है, पानी के तेज बहाव में सामान भी बह गया है। देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पानी का बहाव ये सामने नजर आ रहा है, कितने हाई पावर से ये पानी का जो बहाव है वो नजर आ रहा है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि कई घरों में ये पानी घुस चुका है। इतना ही नहीं, घरों का जो सामान है वो भी इस पानी में बह गया है, कई घरों में ये पानी घुसा है, सड़क और वाहन भी पानी में डूबते नजर आए हैं। असलफा स्टेशन में के पास का ये पूरा मामला है, जहां पर पानी के तेज बहाव की वजह से सामान भी बह गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रेम उपाध्याय मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रेम, मुंबई से जिस तरीके से मामला सामने आया है, पाइप के फटने की भी जानकारी सामने आ रही है, और पानी का बहाव इतना तेज है कि घरों में भी पानी घुस गया, आखिरकार इसको लेकर क्या अपडेट है और क्या प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की जा रही है? देखिए, ये तकरीबन रात 3:30 बजे की घटना है, जब ये पानी का पाइपलाइन फटा है और ये घाटकोपर से मुंबई को सप्लाई होने वाली मुख्य पाइपलाइन है। सबसे अहम बात यह है कि मीठी नदी से जो पानी का सप्लाई होती है पूरे मुंबई को पूरे साल भर, वो उसकी मुख्य लाइन है जो घाटकोपर इलाके से गुजरती है। तो इस जिस तरह से ये पाइपलाइन फटी है, इससे एक तरह का सैलाब आ गया है, 400 घरों में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें खड़ी हो गई। और प्रशासन भी अभी वहां पहुंच नहीं पाया, क्योंकि पानी का पाइप लाइन जिस तरह से फटा है, जो मेन जहां से सप्लाई होती है वहां से पानी के सप्लाई को रोका जाएगा, उसके बाद पानी जब निकलना शुरू होगा उसके बाद ही कुछ न कुछ किया जाएगा। अभी फिलहाल वहां पे स्थिति बाढ़ जैसी है और 400 घरों के लोग जो है वहां से पलायन करने को मजबूर है, उनके घरों का सामान जो है वो खराब हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही का ही मामला है। बिल्कुल, फोर्ट का पानी जो है कैसे पाइपलाइन फट गई, और जो एक मशीन लगी होती है हर जो पाइपलाइन है उसके ऊपर के प्रेशर कितना ले सकती है, कितना प्रेशर झेल सकती है, उसको चेक नहीं किया गया। ये पुरानी पाइपलाइन है और मुंबई में कई ऐसी बड़ी पाइपलाइनें हैं जो अक्सर फटती रहती हैं। तो जो बृहन मुंबई नगर निगम है वहां पे बीएमसी, उसको ये चीज देखना चाहिए था, लेकिन वहां पे इस समय राजनीतिक तौर पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का ही दौर चल रहा है, क्योंकि शिवसेना के 2 धड़े हो चुके हैं, दूसरी तरफ जो है दूसरे जो दल है वो भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ही लगाते हैं। लेकिन जो विकास के काम है, मेन मुख्य समस्या मुंबई की पानी ही है, क्योंकि समुद्र के किनारे तो है लेकिन समुद्र का पानी किसी भी तरह से पीने लायक नहीं होता है। शायद एक समझौता हुआ है जिसमें समुद्र के पानी को पीने लायक बनाया जाना है, उस पर काम अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक तौर पर इतनी उहापोह मची हुई है वहां पे, सरकारें इन चीजों पर ध्यान ही नहीं दे पा रही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो महाराष्ट्र से खबर हम मुंबई से आपको बता रहे थे, जहां पर एक पाइप के फटने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि सड़क और वाहन भी इस पानी में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। असलफा स्टेशन के पास का ये पूरा मामला है।